दोस्तों एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था बिरजुल। वह बहुत ही प्यारा बच्चा था, लेकिन उसे चीजों को चुराने की आदत लग गई। दोस्तों एक बार की बात है, वह अपने स्कूल से एक दिन किसी बच्चे का सुंदर चित्रों वाली किताब चुरा लाया। उसने वह किताब अपनी माँ को दिखाई। उसकी वह किताब देखकर माँ बोली, अरे मेरे बच्चे तू तो बहुत ही होशियार हो गया है। उसके बाद उसने एक दो बार पेंसिल और पेन चुराए और आकर अपनी माँ को दिखाया। माँ ने अपने बच्चे द्वारा चोरी को रोकने की जगह उसकी तारीफ करती रही और उस बच्चे का मनोबल बढ़ता गया। दोस्तों इसके बाद वह बालक बड़ी बड़ी चोरियां करता गया और एक बार एक शहर के बड़े शोरूम पर ही हाथ साफ कर दिया और उसके एक गार्ड की भी हत्या कर दी। उसको यह पता नहीं था कि इस शोरूम में गुप्त अलार्म और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। दोस्तों उस शोरूम के मालिक के मोबाइल पर उस चोरी करते आदमी का लाइव चित्र आने लगा और उस शोरूम के मालिक ने उस चोर को रंगे हाथ पकड़वा दिया। उस चोर का चोरी और हत्या का दोष साबित हो गया और अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। दोस्तों फांसी देने से पहले उस चोर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। चोर ने कहा, मैं फांसी पर चढ़ने से पहले एक बार अपनी माँ से मिलकर उसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों यह एक रिवाज है कि फांसी पर चढ़ने वाले इंसान की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, इसलिए जेल प्रशासन ने उसकी माँ को बुलाया ताकि वह अपने बेटे से अंतिम बार मिल सके। जब बिरजुल चोर की माँ उसके पास आई तो वह अपनी माँ के कान में कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यह क्या, उसने तो कान के पास जाकर जोर से अपनी माँ का कान ही काट लिया। वहाँ उपस्थित जेलर और अन्य सिपाही इस घटना को देखकर हक्का बक्का रह गए। दोस्तों तभी उस बिरजुल चोर ने वहाँ सभी उपस्थित लोगों की तरफ देखते हुए बोला, आप सभी को मेरा अपनी माँ के साथ किया गया यह बर्ताव अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच यह है कि जब मैंने पहली बार स्कूल में अपने मित्र की पुस्तक चुराई थी, यदि तभी मेरी माँ ने मुझे रोक दिया होता और मुझे उस गलत काम को करने पर डांटा होता तो आज मेरी यह स्थिति नहीं होती। आज मैं फांसी पर नहीं चढ़ रहा होता और मुझे अपने जीवन से हाथ नहीं धोना पड़ता। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ बच्चों की केवल जन्मदात्री ही नहीं बल्कि प्रथम शिक्षिका भी होती है। यदि बच्चा कोई गलती करे तो उसे समझाना चाहिए और सही और गलत के बीच के फर्क को बताना चाहिए, अन्यथा बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं और भविष्य में उसके बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं, वह इसलिए कि यदि कोई आपका कमेंट पढ़े तो उसको भी एक मोटिवेशन मिले। दोस्तों यदि आप चाहते हो आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।